साथियों नमस्कार, मैं सरोज कुमार वर्मा, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री ब्रांच चैनल पर। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है मीट साइंस। दोस्तों ये मीट साइंस का सेकंड पार्ट है, इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। उसमें दोस्तों मैंने वीट के बारे में बताया था, वीट क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा ये भी बताए थे वीट का वर्गीकरण, मतलब खरपतवारों का वर्गीकरण बताए थे, कुछ वीट की विशेषताएं बताए थे। इसमें वर्गीकरण चल रहा था, उसमें मैंने दो टाइप पढ़ा दिए थे, एक तो लाइफ साइकिल क्या था हमने बता दिया था, दूसरा क्रॉप बाउंड वीट्स बता दिए थे, ठीक है, मतलब फसल पर बंधे हुए खरपतवार बता दिए थे। दोस्तों ये हमारा टॉपिक सेकंड है वीट साइंस का, और आज हम आपको बताएंगे कि आगे के जो भी वीट के प्रकार हैं, मान लो किस किस तरीके से उनका वर्गीकरण किया गया है, उनके बारे में विस्तृत करेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो लोग पहले प्लेलिस्ट पे जाके फर्स्ट पार्ट देख लें, और अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और इसके साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, बात करेंगे वीट साइंस के वर्गीकरण पे। तो अब हम तीसरे प्रकार में चलेंगे, बीज पत्र के आधार पर। इसमें क्या होता है, जो बीजों का वर्गीकरण किया गया है बीज पत्र के आधार पर किया गया है। दो प्रकार के होते हैं, एक बीज पत्री, ठीक है, और दूसरे दो बीजपत्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक बीजपत्री खरपतवार कौन कौन से होते हैं, ठीक। तो ये एक बीजपत्री खरपतवार, इसमें पहला आता है मोथा, ठीक है। तो मोथा जो होता है इसका बीएन क्या होता है, साइप्रस रोटंडस होता है। क्या होता है, साइप्रस रोटंडस। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोथे का बीएन क्या होता है, ठीक है, तो साइप्रस रोटंडस होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूब घास, ठीक है। तो दूब घास जो होती है इसको साइनोडान डेक्टिलान बोलते हैं, ठीक, साइनोडान डेक्टिलान। अगर दूब घास के उपनाम की बात कर लें तो हम लोग इसको बरमुडा घास बोलते हैं, अब तीसरा देख लेते हैं मकरा को बोलते हैं डेक्टाइलोविटनियम, ठीक है। या अगर ये नहीं आपको मिलता है एग्जाम में, मान लो ये भी होता है, इसके साथ में अगर दूसरा देख लेते हैं इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बैक्टाइलोटेनियम इजिप्सिकम, ठीक है दोस्तों। तो इसके दो साइंटिफिक नेम मैंने बताया आपको, एक तो डेक्टाइलोविटनियम बताया, दूसरा बैक्टाइलोटेनियम इजिप्सिकम बताया, ठीक है। अब बात करेंगे कांस की बात, तो कांस क्या होता है, इसको सेकेरम ऑफिसिनम, सेकेरम स्पॉन्टेनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेरम स्पॉन्टेनियम बोलते हैं। अगले की बात करेंगे गुल्ली डंडा दोस्तों बोलते हैं गेहूं का मामा, तो इसको गुल्ली डंडा बोलते हैं। कभी कभी बोल दिया जाता है गेहूं के मामा का दूसरा नाम क्या है, तो गुल्ली डंडा नाम होता है। ये जो भी जिसको उपनाम से बोलते हैं हम उसको भी अभी बता देंगे थोड़ी देर में किसको किस नाम से जाना जाता है, लेकिन पहले बात कर लेते हैं एक बीज पत्र में। तो गुल्ली डंडा का वैज्ञानिक नाम होता है फेलिस माइनर, ठीक है। फिर जंगली जई, ये भी एक बीज पत्री खरपतवार है, जंगली जई का साइंटिफिक नेम होता है एवेना फेटुआ। फिर बरू घास जो होती है उसका सोर्गम हेल्पेंस होता है, सोर्गम हेल्पेंस, ठीक है। अब हम द्विबीजपत्री खरपतवार के बारे में बात करेंगे, तो द्विबीजपत्री कौन कौन से खरपतवार होते हैं, नंबर वन पे बथुआ जो होता है इसको चिनोपोडियम एल्बम कहते हैं। एग्जाम में आता है, ऐसा आता है कि जो है बथुआ का साइंटिफिक नेम क्या है, बीएन क्या है, तो चिनोपोडियम एल्बम होता है, ठीक है। उसको एक चीज ध्यान रखना, जो एसएन होता है साइंटिफिक नेम, हम दोनों केस में कह सकते हैं जेडन और बीएन के केस में, ठीक है। अगर हम सिर्फ डायरेक्ट बात करें, जंतुओं की बात करेंगे, तो उसको हम जेडन कहेंगे, बीएन की बात करेंगे तो वनस्पति पौधों की बात करेंगे, और एसएन हम लोग दोनों को कंबाइन कह सकते हैं साइंटिफिक नेम, ठीक है। तो उस पर अगर हम बोल रहे हैं तो आप पे कोई गौर न करना, ठीक है। तो अब बात आती है लगजीरा की, लगजीरा क्या होता है, एकाइलेंथस स्पेरा इसको बोलते हैं, ये भी द्विबीजपत्री खरपतवार है। इसके बाद ये कैटनील,
कठनील को बोलते हैं एनागेलिस आर्बेंसिस, क्या बोलते हैं एनागेलिस आर्बेंसिस, ये भी द्विबीजपत्री खरपतवार होता है। इसके अलावा हिरणपुरी होती है, हिरणपुरी को बोलते हैं कांगोनुलस आर्बेंसिस, कांगोनुलस आर्बेंसिस, ठीक है। इसके अलावा सत्यानाशी, ये भी द्विबीजपत्री खरपतवार होता है, सत्यानाशी को बोलते हैं आर्जिमोन मैक्सिकाना, आर्जिमोन मैक्सिकाना। इसके अलावा होता है जंगली चौलाई, जंगली चौलाई को बोलते हैं अमरांथस वेडिस, ठीक ना, अमरांथस वेडिस। चौलाई की और भी कई सारी प्रजातियां होती हैं, ठीक है, तो उनको हम आगे कुछ देख लेंगे। और इसके अलावा होता है खरतुआ, खरतुआ को बोलते हैं चिनोपोडियम मुरैल, क्या बोलते हैं चिनोपोडियम मुरैल। ये जो खरतुआ होता है उसको बिल्कुल बथुआ की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा इसकी पत्तियां जो होती हैं उनका आकार बड़ा होता है, बाकी सेम बथुए के आकार का ही रहता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या है जो मैंने आपको बताया है, कुछ ऐसी चीजें जैसे मान लीजिए साइनोलॉन डेक्टाइलॉन है, तो मान लीजिए कहीं पे डेक्टिलॉन भी लिखा है तो आप उससे कन्फ्यूजन नहीं हुए, थोड़ा साइन जो इंग्लिश टर्म होते हैं उनको ट्रांसलेट करने में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है किसी बुक में किसी तरीके से, तो आप उसको गलत नहीं बोलेंगे, सब ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अब हम इनके अलावा जो भी होते हैं, मान लीजिए कि ये मैंने आपको एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री बता दिए हैं, और इसके अलावा कुछ ऐसे खरपतवार हैं जिनके साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं जो महत्वपूर्ण है, वो हम आपको आगे बताते हैं, ठीक है। अब हम कुछ बात करेंगे जो कुछ और खरपतवार हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कभी कभी, उनका साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से खरपतवार हैं जो मैंने बताए हैं वो एक बीज पत्री दो बीज पत्री के आधार पर बता दिए थे, इसके अलावा कुछ और भी हैं जिनको हम देख लेते हैं, जैसे भांग है, ठीक है। तो भांग जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो इसका बीज जो होता है वो होता है कैनाबिस सैटिवा। ये पूछ लिया जाता है कभी कभार कि भाई भांग का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कैनाबिस सैटिवा। इसके अलावा कासनी हो गया, कासनी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, किनकोरियम इंटाइबस, किनकोरियम इंटाइबस। फिर अमरवेल की बात आ जाती है, तो अमरवेल का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो कस्कुटा रिफ्लेक्सा होता है, क्या होता है कस्कुटा रिफ्लेक्सा। इसके अलावा धतूरा आ जाता है, धतूरा भी पूछ जाता है कभी कभार, तो धतूरा हेस्टूसा होता है इसका साइंटिफिक नेम, धतूरा हेस्टूसा। फिर लहसुआ, लहसुआ ज्यादातर पूछा जाता है गाँव में, तो ज्यादातर लहसुआ का बीएम क्या होता है, तो डिगेरा आर्बेंसिस होता है, क्या होता है डिगेरा आर्बेंसिस होता है। फिर खेसारी होता है, खेसारी क्या होता है लथाइरस सैटिवस होती है, खेसारी भी पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है खेसारी, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है लथाइरस सैटिवस, लथाइरस सैटिवस। फिर सफेद सैंधी और पीली सैंधी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, सफेद सैंधी क्या होता है मेलिलोटस अल्बा होता है, और पीली सैंधी क्या होता है मेलिलोटस इंडिका होता है, ठीक है। तो सफेद सैंधी क्या होता है मेलिलोटस अल्बा, पीली सैंधी क्या होता है मेलिलोटस इंडिका होता है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कुछ और, जैसे छुई मुई हुआ, तो छुई मुई का क्या होता है, इसका होता है मिमोसा उदीका होता है, क्या होता है मिमोसा उदीका होता है, मिमोसा उदीका किसका बीएन होता है, छुई मुई का होता है। फिर देख लेते हैं हजार दाना, हजार दाना को बोलते हैं हाइलैंथस निलूरी बोलते हैं, हजार दाना क्या बोलते हैं हाइलैंथस निलूरी, ये इसके बीएन होते हैं। इसके अलावा और भी कुछ हैं, जैसे पत्थर चट्टा होता है, तो पत्थर चट्टा का साइंटिफिक नेम क्या होता है ट्राइएंथेमा, ट्राइएंथेमा मोनोगाइना, क्या होता है ट्राइएंथेमा मोनोगाइना होता है, इसका बीएन होता है। फिर बात करें गोखरू की, तो गोखरू क्या होती है ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस होता है, ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस, ठीक है। इसके अलावा मुनमुना होता है जिसको चटरी भी बोलते हैं, मुनमुना या चटरी, ठीक है। इसका होता है विसिया हिरसुटा होता है, क्या होता है विसिया हिरसुटा। इसके अलावा अकरा की बात कर लें, तो इसका होता है विसिया सैटिवा, अकरा क्या होता है विसिया सैटिवा होता है, विसिया सैटिवा साइंटिफिक नेम होता है। फिर झलबेरी की बात करें, तो झलबेरी जो होता है जाइफस रोटंडीफोलिया होता है, जाइफस रोटंडीफोलिया होता है, ठीक। इसके अलावा होता है बन तुलसी, जो वनों में पाई जाती है उसको वन तुलसी बोलते हैं, तो इसका होता है ओसिमम सैंक्टम, क्या होता है ओसिमम सैंक्टम। इसके अलावा प्याजी होता है आस्कोडिलस, क्या होता है आस्कोडिलस टेनू
कोइलस क्या होता है, फास्फोडिलस टेनोकोइलस। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट कुछ थे, ठीक है। तो ये ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको मैंने आपको बता दिया है, आप इनको अच्छे से याद कर लें, ठीक है। और भी देख लेते हैं कुछ इससे, अगर खरपतवार आप देख लेते हैं, जो भी खरपतवार होते हैं दोस्तों उनके कुल के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है जो भी खरपतवार होते हैं उनसे कुल पूछ दिया जाता है, मान लीजिए, ठीक है, कि पूछ दिया गया कि जंगली दही का कुल क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे। तो इस हिसाब से देख लेते हैं कि जितने भी खरपतवार हैं उनकी फैमिली क्या होती है। जो भी खरपतवार पोएसी या ग्रेमनी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, जैसे जंगली जई हो जाती है, मकरा, गेहूं का मामा जिसे गेहूसा बोलते हैं, बंदरा बंदरी होता है, दूब घास होता है, ये तो घास बहुत पूछा जाता है ज्यादातर ये, और गेहूं का मामा यहाँ से खूब पूछा जाता है, और बरू घास, ये सब किसमें आ जाते हैं, पोएसी में आ जाते हैं। पोएसी और ग्रेमी एक ही फैमिली होती है। इसके बाद फैमिली जो होती है दूसरी चिनोपोडियसी, तो चिनोपोडियसी के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं ये देख लेते हैं। तो चिनोपोडियसी में बथुआ आ जाता है, खरतुआ आ जाता है। पूछ दिया जाए आपसे कि बथुआ की फैमिली क्या होती है, तो आप लगाएंगे चिनोपोडियसी, ठीक है। फिर अगली फैमिली देख लेते हैं कांबोलुलेसी, ठीक है। कांबोलुलेसी में कौन कौन से खरपतवार आ जाते हैं, तो इसमें हिरन खुरी आ जाता है और इसके साथ साथ अमरवेल आ जाता है, ठीक है। तो अमरवेल और हिरन खुरी की जो फैमिली होती है वो होती है कांबोलुलेसी। और देख लेते हैं खरपतवारों को, तो जो फेबेसी और लेग्यूमिनेसी होती है ये सेम फैमिली होती है, इनके नाम है अलग अलग। तो फेबेसी और लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं, खेसारी आ जाता है, ठीक है, और उसके अलावा मटरी आ जाता है, सफेद सैंधी होती है इसी में, पीली सैंधी इसी में आ जाती है, लूसन इसी में आ जाता है, अकरा इसी में आ जाता है, मुनमुना या चटली, इनकी सबकी फैमिली क्या होती है, लेग्यूमिनेसी होती है। इसके साथ साथ आप देख लेते हैं रैमनेसी में कौन आता है भाई, तो रैमनेसी में झरबेड़ी आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा सोलेनेसी जो हुई फैमिली, तो सोलेनेसी में कौन आता है, मकोई आता है, धतूरा आता है। मकोई और धतूरा की फैमिली क्या होती है, सोलेनेसी होती है। तो यहाँ से जो सोलेनेसी से है मकोई बहुत पूछा जाता है गाँव में, मकोई की फैमिली क्या होती है, सोलेनेसी होती है। इसके अलावा एस्टरेसी देख लेते हैं हम, एस्टरेसी में क्या जाता है, लटजीरा आ जाता है, कांग्रेस घास होती है, इसके अलावा कासनी आ जाती है, ये सभी किसमें आ जाते हैं, एस्टरेसी में आ जाते हैं। अब साइप्रेसी देख लेते हैं, ये बहुत पूछा जाता है, मोथा की फैमिली क्या होती है, साइप्रेसी होती है, क्या होती है, साइप्रेसी होती है, इसको याद कर लेना मुझे। इसके अलावा अमरैंथेसी जो होती है उसमें लहसुआ आ जाता है, अमरैंथेसी इसमें क्या जाता है, लहसुआ आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये खरपतवार है कुछ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी फैमिली है, इससे पहले मैंने इनके साइंटिफिक नेम लिखवा दिए हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, आप देख लेते हैं दोस्तों अगला टाइप वर्गीकरण का, यह फसल संबंधी सापेक्ष स्थिति के आधार पर, मतलब ये हुआ कि जो फसलों से संबंध है उनका उसके आधार पर, देखिए क्या उनके संबंध रहते हैं, क्या हानि पहुंचाते हैं या लाभ पहुंचाते हैं या फिर अदर कोई इफेक्ट, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है, कई भागों में बांटा गया। पहला है निरपेक्ष मूल खरपतवार, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट वीट, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वीट बोलते हैं, ठीक है। तो ये खरपतवार क्या होते हैं, ये जो खरपतवार होते हैं एब्सोल्यूट वीट, ये हमेशा फसलों को क्या पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते रहते हैं, ठीक है, हमेशा फसलों को हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें कौन कौन से खरपतवार आ जाते हैं, जैसे बथुआ है, हिरनपुरी है, सत्यानाशी है, कृष्णनील है, ये सभी खरपतवार क्या होते हैं, फसल के साथ उगते हैं, कभी फसल को लाभ ना दे करके हमेशा हानि देते रहते हैं। फिर दूसरा बात कर लेते हैं सापेक्ष खरपतवार, जिसको बोलते हैं रिलेटिव वीड्स, क्या बोलते हैं, रिलेटिव वीड्स बोलते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव वीड्स क्या होते हैं, ये ऐसे खरपतवार होते हैं जो फसल के साथ स्वतः उगाते हैं, ठीक है, स्वतः उगाते हैं। इसमें क्या होता है कि ये खरपतवार जो है हमेशा क्या करते हैं, फसलों को मुख्य फसल के साथ साथ में कुछ ना कुछ लाभ देते हैं, ठीक ना। जैसे कि हम देख लेते हैं गेहूं के साथ सरसों व जौ का उगना, ये क्या होता है, मान लीजिए कि गेहूं ने बोया उसके साथ सरसों उगाया या जौ उगाया, तो ये जो है कुछ ना कुछ हमको लाभ देते रहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में आप तीसरा बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत कि रोग्यू या अवांछित पौधे क्या होते हैं भाई, इसको रोग्यू किसको कहते हैं, रोग्यू वीड्स किसको कहते हैं। तो क्या होता है, जैसे कोई हम फसल बोए हैं अपने खेत में, मान लीजिए गेहूं की फसल बोए हैं,
तो गेहूं की किस्म मैंने कोई कोई है मतलब प्रजाति मान लो जैसे कल्याण सोना बोई गई, तो कल्याण सोना में मान लीजिए कि सोनालिका के पौधे उगाए, ठीक है, मतलब हमने कोई एक फसल ली, उस फसल में किस उसकी प्रजाति कोई बो दी, अब उसी प्रजाति के मतलब गेहूं से ही रिलेटेड कोई दूसरी प्रजाति आ जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, रोबिंग कहलाएंगे। जैसे किसी फसल की एक प्रजाति में दूसरी प्रजाति के पौधे उगना, जैसे गेहूं की कल्याण सोना में सोनालिका, ठीक है। इसके बाद हम अगले टाइप पे बात कर लेते हैं। अब हमारा पांचवा नंबर ये है, इसके अंतर्गत क्या है, हमने बताया प्रजनन विधियों के आधार पर भाई जो खरपतवार हैं वो अपना जो नया एक पौधा बनाते हैं तो किस आधार पे आता है, क्या उनमें प्रजनन की विधियां होती हैं। तो कुछ होते हैं ऐसे खरपतवार जो बीज द्वारा पैदा होते हैं, भाई सीधा सीधा क्या होता है उनका बीज ही उगाता है, तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे बथुआ, कृष्णनील, सत्यानाशी, पथरचट्टा, ये सभी ऐसे खरपतवार हैं जो बड़े होकर बीज पैदा करते हैं, वही बीज पुनः पौधे को जन्म देते हैं, ठीक है। अब दूसरा बात कर लेते हैं वनस्पति भागों के आधार पर पैदा होने वाले, ठीक है, पहला था बीज के आधार पर, दूसरा है वनस्पति भागों के आधार पर। तो इसमें क्या होता है, इसमें कई तरीके से होते हैं, जैसे कुछ ट्यूबर्स हैं, कुछ राइजोम द्वारा हैं, ठीक है, कुछ अदर जैसे सकर्स द्वारा हैं। उसमें देख लेते हैं सबसे पहले जो हिरणपुरी है और मोथा है, ये दोनों क्या होते हैं, ट्यूबर्स द्वारा होते हैं, इनका प्रजनन किसके द्वारा होता है, ट्यूबर्स द्वारा, मतलब एक पौधा एक दूसरे नए पौधे को जन्म देता है किसके द्वारा, ट्यूबर्स के द्वारा देता है, ठीक है। ये दूसरा देख लेते हैं बरू घास या कांस जिसको बोलते हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है प्रकंद, मतलब एक नया पौधा जन्म लेंगे प्रकंद की जरूरत पड़ती है तो इनमें प्रकंद द्वारा प्रजनन होता है। अब अगले की बात करें बरमूडा घास, बरमूडा घास होती है दूब घास, दूब घास इसको बोलते हैं, तो दूब घास में सकर्स द्वारा होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम अगला देख लेते हैं थोड़ा सा, अब हम बात कर लेते हैं अगले टाइप पे मृदा व जलवायु के आधार पर, भाई ऐसे खरपतवार जो कि मान लीजिए कहीं किस किस मृदाओं पे अपना ज्यादा अच्छा वनस्पतिक वृद्धि करते हैं, ठीक ना, या फिर जहाँ पे जलवायु देख लेते हैं, मतलब भाई किस जलवायु पे कौन से खरपतवार ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, तो जलवायु के आधार पर हम देख लेते हैं। जैसे जलमग्न भूमियों के खरपतवार है, ये मृदा के आधार पर है, जलमग्न भूमियों के आधार पर, ठीक है। तो जलमग्न मतलब ये हुआ कि ऐसे खरपतवार जो जल में ज्यादा अपनी वृद्धि करते हो, तो कौन कौन से होते हैं, जैसे जलकुंभी हो गया, ठीक है, इसके अलावा हाइड्रिला हो गया, जलकुंभी और हाइड्रिला हो गया, ये दोनों खरपतवार ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा जल की जरूरत पड़ती है। इसके बाद हम देख लेते हैं अब रेगिस्तानी, ठीक है, रेगिस्तानी खरपतवार क्या होते हैं, ऐसे खरपतवार जो मतलब शुष्क क्षेत्रों में बहुत ज्यादा उगते हों, रेगिस्तान जैसे वहां पे क्या होता है शुष्क क्षेत्र रहता है, तो उस क्लाइमेट में कौन कौन से खरपतवार ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं, तो इसमें नाखूनी हो गया, बबूल और झलबेड़ी, ये ऐसे खरपतवार हैं जो रेगिस्तानी भूमियों में आराम से उगाए जा सकते मतलब उग जाते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं सी कृषि क्षेत्र के खरपतवार, ऐसे खरपतवार जो मतलब कृषि के क्षेत्र में आते हैं जहाँ पर हम लोग खाद्यान्न फसलें या कोई फसलें उगाते हैं, तो वहाँ पर कौन कौन से खरपतवार आ जाते हैं, वहाँ पर जैसे बथुआ है, प्याजी, सैंजी, मोथा और भी कई सारे खरपतवार हैं, तो ये सब कैसे हैं, ये कृषि क्षेत्र के खरपतवार होते हैं। अब हम देखते हैं अगले टाइप पे, अगला टाइप है पत्तियों की बनावट के आधार पर, भाई खरपतवारों का वर्ग चल रहा है, तो इसमें क्या है पत्तियों की बनावट के आधार पर, कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं जो चौड़ी पत्ती वाले होते हैं, कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं जो सकरी पत्ती वाले, चौड़ी पत्ती मतलब उनका चौड़ा आकार होता है और सकरी मतलब बिल्कुल पतली पतली पत्तियां होती हैं। तो इसमें पहला है चौड़ी पत्ती में जैसे बथुआ हो गया, बथुआ क्या होता है इसकी पत्तियां चौड़ी होती हैं, सैंजी दूसरा, तीसरा महकोई, महकोई में भी पत्तियां चौड़ी चौड़ी होती है, सभी चौड़ी पत्ती के हैं, हिरणपुरी हो गया, कृष्णनील हो गया, पथरचट्टा हो गया, तो इनमें जो पत्तियां होती हैं बड़ी होती है थोड़ा चौड़े आकार की होती हैं। फिर बात कर लेते हैं अगले टाइप की, मतलब इसमें भी पत्तियों के बनावट के आधार पर, इसमें होता है सकरी पत्ती वाले, मतलब ऐसी पत्तियां जिनमें सकरी मतलब पतली सी पत्तियां होती हैं, वो कौन कौन से होते हैं, मोथा बिल्कुल पतले पतले सी पत्तियां होती हैं, दूब घास और कांस, ठीक है, मोथा, दूब घास और कांस, ये हैं
पत्तियों की बनावट के आधार पर। तो अब हम अगले मतलब देखते हैं कि ये जो भी हम आपको पढ़ाएं उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आपको करा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देख लेते हैं, आज जो खरपतवारों का वर्गीकरण है वो मैंने सब पढ़ा दिया है, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम की तरफ से इंपॉर्टेंट होते हैं मैंने सारे पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इनसे जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मकोई की फैमिली क्या होती है। तो ऑप्शन है ग्रेमनी, एस्ट्रेसी, सोलेनेसी और फिनोकोडियासी। दोस्तों आपको क्या कहना है, इसमें जो भी मकोई की फैमिली है उससे रिलेटेड आपको आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है। दूसरा क्वेश्चन है बरमुडा घास किसे कहते हैं, कांस को, कांग्रेस घास को, बरु घास को, दूध घास को। जो भी आंसर है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। इसके अलावा गुल्ली डंडा, गुल्ली डंडा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, टुलिस माइनर, एवेना फेटुआ, सोर्गम हेल्पेंस, साइप्रस रोटंडस, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर आप देख लेना, इसके बाद कमेंट बॉक्स में डाल देना। इसके अलावा रेगिस्तानी खरपतवार का उदाहरण है जलकुंभी, बथुआ, नागफनी, पिस्टला, ठीक है। तो इनमें से जो भी आंसर है दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे। इसके अलावा पांचवा ये है कांस में प्रजनन किसके द्वारा होता है, बीज द्वारा, ट्यूबर्स द्वारा, राइजोम द्वारा या सभी। जो भी आपका आंसर है आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पांच क्वेश्चन है, जो भी मान लीजिए पांच में पांच आपके अंक आते हैं तो पांच बटे पांच ऐसे कमेंट कर देना। और इसके अलावा दोस्तों कि आपको अगर इसमें क्वेश्चन कहने में प्रॉब्लम आती आ रही है तो अगर आपने वीडियो पूर्ण रूप से नहीं देखा है तो आप पूरी तरीके से वीडियो को देख लें, और जो भी मैंने कंटेंट दिया है उसको आप अच्छे से नोट बना लें, बहुत अच्छा रहेगा कंटेंट आपको। ये वीट साइंस से ज़्यादातर जो क्वेश्चन उठने वाले हैं वो हम आपको दे देंगे पूरे टॉपिक टू टॉपिक। अभी हमारा ये आज का दूसरा वीडियो था, ठीक है। तो दोस्तों ये कैसा आपको वीडियो लगा, अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं कि आगे की प्रोसेस में कंटिन्यू रखें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो लाइक आ रहा है तो शेयर करें। थैंक यू गाइस।